जी अस्सलाम वालेकुम क्या है वीडियो प्लीज़ लाइव हो तो आप लोग आए तो प्लीज़ थम्स अप कीजिएगा सलाम हाँ अब ठीक है उसके ऊपर तो पता नहीं क्या हो गया था बार बार मैं तो तंग आ गया था अब इसके ऊपर टपा टप आ रहे हैं सही हो गया सलाम वालेकुम सलाम एफिलिएट मार्केटिंग गूगल एड्स भाई क्या ये क्या, क्या क्वेश्चन है एफिलिएट मार्केटिंग गूगल एड्स व्हाट इज़ दिस क्वेश्चन पूरा लिखें सर आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू एडसन माय एडसन हैज़ बीन अप्रूव वन मंथ बिफोर बट एड्स नहीं शो होते वेबसाइट पे ऑटो है प्लीज़ सर इसका कोई रिजल्ट हमजा भाई ये अगर आपका अप्रूव्ड है देखें इसके दो फेज़ होते हैं पहले आपका अकाउंट अप्रूव होता है दूसरे आपकी साइट अप्रूव होती है तो मे बी आपकी साइट अप्रूव ना हो वहाँ देखें अप्रूवल आता है लाइव आता है लिखा अगर लाइव आता है तो फिर तो ऐड आने ही चाहिए आपकी अगर नहीं आता तो थीम वगैरह चेंज करके देखें आमिर भाई आप रिकमेंड करें कैसे सुनो ये कहाँ से सीखो तैमूर भाई जितना की सीखा उसको पहले इंप्लीमेंट करके देखें कि यार क्या सीखा है ये जब आपने सीखा और आपका यही कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कि मैंने कहाँ से शुरू करना है तो आपने तो सीखा ही नहीं वालेकुम सलाम सिंपल कि जब आपने सीखा है और आपको इतना ही नहीं पता कि आपने इसका करना क्या है तो आपने क्या सीखा सर गेस्ट पोस्ट साइट पे ट्रैफिक के लिए कीवर्ड सर्च कैसे करें मल्टी कैटेगरीज के अंदर साइट बनाते uh, भाई गेस्ट पोस्ट की कैटेगरीज का सबसे बेस्ट हाल यह होता है कि आप लॉन्ग और लो कीवर्ड निकालें लॉन्ग और लो उससे क्या होता है और खास तौर पे अपनी जो इमेजेस हैं उनकी एस को इम्प्रूव करें असल में गैस पोस्ट के अंदर ना क्लाइंट को हम स्क्रीन दिखाते हैं एच का मोस का या Samrish का तो क्या होता है कभी भी मेरी बात याद रखिएगा कोई भी टूल है वो आपको परफेक्ट आइडिया नहीं देता हाँ आपको स्क्रीन दिखानी है तो आप उसको दिखा सकते हैं अपने अपने क्लाइंट को एच की कि ये देखें मेरे इतने कीवर्ड रैंक है इतनी ट्रैफिक आ रही है तो वो आपको गैस पाउस देते रह नॉर्मली ये चलता है असल एटसेट्रा के अलावा कोई प्राइवेट नेटवर्क अच्छा है देर मुझे नहीं पता एट्सट्रा के अलावा कौन सा अच्छा यह एट्सेट्रा क्या करता है एफ मार्केटिंग गूगल एड फेसबुक ऐड से कैसे करें प्लीज़ वीडियो बनाएं ठीक है सर इसके ऊपर वीडियो बना देंगे अलमेक फ्रॉम इंडिया सर वालेकुम सलाम वाईकम कैसे हो आप ठीक हो समर भाई फिर किसी बंदे को दिखा लेना ऐड शो नहीं होते साइट भी अप्रूव्ड है गूगल वालों से पूछ लें उनको ईमेल कर दें कि भाई मेरी साइट पे ऐड नहीं आ रहे माइक ने कैसे फाइंड करें और कैसे ये डिसाइड करें कि ये निश गुड होगी या स्टार्ट करने के लिए अगर उस पे कंप्लीट वीडियो सममित भाई मैंने इसके ऊपर काफी सारी पोस्ट की हैं निश्चित की रिसर्च की आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल पर, पर जाके देखें तो आपको वहाँ मिल जाएंगी आपको अंदाज़ा हो जाएगा माय क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग टू डिजिटल प्रोडक्ट आई एम क्रिएटिंग अ फास्ट बेस्ड डिजिटल प्रोडक्ट कैन मार्केट एंड सेल इट इन प्रोफाइल यू विल बी रिकमेंडेड इमरान भाई देखें प्रॉब्लम प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा ये है कि आजकल ना अब ना एक जैसे वो एमजोन की पहले हवा दी थी ना लोगों ने और उसके बाद वो घुस हो के बैठ गया नुकसान करा के बैठ गया मार्केट ठंडी है अब मार्केट के अंदर क्या था कि एक नया लोशा लाना था लोगों को थोड़ा सा आ, वो करना था कि किसी न किसी मार्केटर ने भी तो किसी ना किसी तरीके से कमाना है ना तो अब उन्होंने ये सास्ट प्रोडक्ट्स लाने शुरू कर दिए डिजिटल प्रोडक्ट बना लो सास प्रोडक्ट बना लो ये कर लो वो कर लो ठीक है प्रॉब्लम ये है कि जब आपने प्रोडक्ट बनाई है उससे पहले का आपका वर्क है कि यार ये मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा इसको इस मार्केट में लॉन्च करूंगा इसका इतना मुझे प्रॉफिट होगा इतना इसका लॉस होगा इतनी इसकी मार्केटिंग पे ख़र्च होगा ये चीज़ें ये चीज़ें प्रोडक्ट बनाने से पहले चूज़ करने से पहले के स्टेप में हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम देख लेते हैं कि यार ये हो रहा है आजकल हर पता नहीं मुझे स्... मैं दिन में कितने मैसेजेस आपको मैं बता नहीं सकता ये सर प्रोडक्ट आ गया ये कर दें ये हमें ये इस पर कर दें क्या है कि ढोल बजा दिया है एक मैं आपको हकीकत बता रहा हूं ये थोड़े अरसे तक सब कुछ ठंडा हो जाने एफिलिएट मार्केटिंग गूगल ऐड फेसबुक और यार सर ये एमसीएम ऐड मैनेजर क्या होता है ये हो के या सिर्फ भाई ये गूगल के ना ऑफिशियल पार्टनर्स होते हैं जो जिनकी एड्स गूगल के नेटवर्क पे भी जाती हैं और वो खुद भी अपने उसमें देते हैं जब आप उनका अकाउंट ले लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आप अपनी मर्जी का रेट सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी की ट्रैफिक अपनी मर्जी की एड अपनी वेबसाइट के ऊपर शो करवा सकते हैं उसका ये फ़ायदा होता है और रेट अच्छा मिलता है और उनके अकाउंट्स हैवी होते हैं यानी उनके थ्रू आपका चल रहा होता है तो आपके अकाउंट का बहुत लिमिटेड चांसेस होते हैं कि आपका अकाउंट बंद करें या वो ख़त्म करें आपका एडसन अकाउंट कहीं नहीं जाता वालकम सलाम समर भाई देख लिया कितनी ट्रैफिक हो फिर गैर प्रोसैल होती है अरे तो भाई ये तो लेने वाले को पता है ना यार रे बी यार पहले एक कोशिश किया करो देखो आप जैसे मर्जी सब उसके ऊपर आओ जैसे मर्ज़ी वो यूज़ करो यार जब मेरी लाइफ के ऊपर आओ ना कम से कम अपने असल नाम से आया करो या चलो असल से नहीं आना अगर आपको है कि ये भाई अब मेरा असल नाम पता चल जाएगा या साथ वाले को कोई शर्मिंदगी है कम से कम उस नाम से आए जो मैं आपको पुकार सकूं मेरी पहले ही उर्दू इंग्लिश कमज़ोर है ऊपर से आप इतने औखे ओखे नाम रख के आ जाते मैं कैसे पढूं मेरा अभी अभी प्लान है अगर आप लोग बहुत रिकमेंड करेंगे लाइक करेंगे तो मैं इसके ऊपर वर्क कर लूँगा मेरा प्लान है कि मैं डेली एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं एक बैकलिंक आपको बनाना सिखाऊं एक बैकलिंक फॉर एग्जांपल वो बैकलिंक आउटलुक डॉट कॉम के ऊपर है या एम के ऊपर है वहाँ से कैसे लेना है आपने बैकलिंक या माइक्रोसॉफ्ट से कैसे लेना है आपने बैक लिंक या किसी डायरेक्टरी है उससे कैसे लेना है टोटल ए टू जी स्टेप कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे कैसे जाएंगे लेकिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं मुझे मैं आपको बताऊं दूसरा एंड भी बता दूं प्रॉब्लम क्या करती हैं कि मेरा मेरा, मेरा मैं लाइक मेरा जो स्टाइल है या बताने का मैं कहता हूं कि ये बेसिक चीज़ें मैं इस पर टाइम ना जाया करूं अकाउंट कैसे क्रिएट करना है ये कैसे बुलाबला लाइक like, मेरी जो ऑडियंस है या मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो थोड़े एक्सपर्ट लेवल के हैं बच्चे नहीं हैं या मैं मैं चाहता भी नहीं कि बच्चा मुझे फॉलो करे क्योंकि आधी उसकी ऊपर नीचे से बच्चों को पढ़ाने के लिए मार्केट के अंदर बड़े लोग घूम फिर रहे हैं ठीक है ना आप उनसे सीख सकते हैं हाँ जी अगर आपने नेक्स्ट लेवल की कोई चीज़ सीखनी है कोई एडवांस लेवल की चीज़ सीखनी है देन आप फॉलो करें लाजमी बात है तो मेरे लिए ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग पॉइंट होता है बट मैं कोशिश कर रहा हूँ सोच रहा हूँ मैं अपने दोस्तों से मशवरा कर रहा हूँ जो करीबी मेरे दोस्त है मशुरा दे अगर उन्होंने कहा कि नहीं स्टार्ट करें तो फिर मैं इसके ऊपर सॉरी इसके ऊपर काम करूंगा लेकिन भाई मैं आपको एक हकीकत बार बताऊं हकीकत आप मानेंगे नहीं मैं एटी परसेंट काम वेबसाइट पे करता हूं ट्वेंटी परसेंट बैकविंग करता हूं अब भी तो बिल्कुल ही बैकलिंग छोड़ दी है ना पहले तो फिर करता होता था बहुत अब बिल्कुल छोड़ दिए बिल्कुल तो ये सारी वो है बस लेस सी अब ये देखें ये भाई आए हैं सरिया सीमेंट प्राइस ये इनका नाम है एक्चुअली अकाउंट लॉगिन होते हैं ना तो फिर शायद उसी से आ जाते हैं पता नहीं है मैं क्या कहूँ एनी वे तो ठीक है फिर आप यहाँ यहाँ भी फॉलो रखें और इन शह इसके ऊपर भी लाइव आते आया करेंगे और गपशप मारा करेंगे फिर ये कर सकते हैं और कोशिश करते हैं वीडियो शडियो के ऊपर भी काम करते हैं यार मुझे समझ नहीं आती जब मैं लाइव आता हूँ इतने लोग कह रहे हैं वीडियो 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 शेयर करता हूँ तो कोई लाइक दो हजार तीन हजार से ज्यादा व्यूज ही नहीं आते एक्सपायर्ड डोमेन के फायदे बताएं एक्सपायर्ड डोमेन का भाई अब कोई फायदा नहीं है एक्सपायर्ड डोमेन के सारे नुकसान ही है फ्रेश डोमेन बड़ी फिट चलती है क्लीन डोमेन so, करना बड़ा मुश्किल है कोई मुश्किल नहीं है से रैंक करना डियर अभी मैंने चले मैं लाइव आपको बता रहा हूँ इनशा अगर मेरी कामयाब हो गया तो ये याद रखिएगा ये फिर मैं आप लोगों के साथ केस स्टडी शेयर करूंगा अगर कामयाब हो गया तो मैंने परसों एक डोमेन रजिस्टर करवाई है मुझे कीवर्ड मिला एक उस कीवर्ड के साथ वो एफिलिएट का वर्ड है उसके साथ जब मैं वर्ड रिव्यू लगाता हूँ उस कीवर्ड के साथ तो उसकी फिफ्टी फाइव थाउजेंड सर चीज़ें सॉरी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड सर हैं उस प्रोडक्ट uh, की या उस ब्रांड की या उस जो भी वो चीज है एग्जैक्ट सर्चेज फाइव फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड के करीब है जो नंबर वन के ऊपर साइट है वो सेवेंटी परसेंट शेयर ले रही है ट्रैफिक का और तकरीबन थ्री थाउजेंड के करीब ट्रैफिक ले रही है उस एक पे अगर मैं उसके पूरे सारे कीवर्ड निकालता हूँ पूरी उसके कीवर्ड ग्रुपिंग करता हूँ तो तकरीबन सेवेंटी थाउजेंड के करीब मेरे लॉन्ग टेल शॉर्ट टर्म कीवर्ड से ट्रैफिक बन रही है मज़े की बात यह है कि वो डोमेन मुझे एग्जैक्ट मिल गई जो वो कीवर्ड था मेरा उसके अगेंस्ट ही मुझे डोमेन डॉट कॉम भी मिल गई तो अभी मैंने उसको रजिस्टर करवाया रजिस्टर करवा के मैंने सेटअप शुरू किया उसके ऊपर तो अगर उसके अंदर कामयाबी मिल गई मेरा दिल है कि उसको मैं फ्लिप करूँगा तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा तो पहले कभी भी नहीं नज़र आई वो तो ऐसे बहुत सारे हिडन अनटैप्ड कीवर्ड होते हैं ठीक है ना जो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं मुबारक भाई मेरी प्रोफाइल है ना फेसबुक की उसके ऊपर मेरी सारी पोस्टें कैटेगरी और कीवर्ड ग्रुपिंग के ऊपर ही पड़ी हैं प्लीज उनको डिवीट करें नया बना लो भाई खत्म हो गया ओके okay हो गया बाय बाय हो गया तैमूर भाई गूगल एडवर्ड देख लो यार मैं रिसर्चिंग मेरी ज्यादातर जो चीजें होती हैं वो रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर होती हैं ठीक है ना और कुछ आइडियाज़ इस तरह लेता हूँ कि जो मैं खुद सर्च कर रहा होता हूँ जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट होता है उन्हीं के ऊपर मैं काम कर लेता हूँ चलें ठीक है आ, मैं रियली यू नो सॉरी मैं जस्ट अबाउट टू स्लीप तो मैंने जैसे ट्रस्ट किया बस कि यार मैं इसको देखूँ तो सही कि लाइव के ऊपर नोटिफिकेशन जाता है या नहीं बट अगर आप इसी तरीके से एक्टिव रहेंगे तो मैं रोज़ाना पंद्रह बीस मिनट आपके क्वेश्चन ले लिया करूँगा सुनने से पहले ठीक है अपना ख्याल रखिएगा में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़